अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमिर नज़ीर। आज हम बात करते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिलते। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि पॉलिसी है क्या चीज़। उसको अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहला इसका स्टेप होता है पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन, कि आपने कौन सी पॉलिसी लेनी है। उसके बाद आता है पॉलिसी फार्मूलेशन, कि आपने अपनी सोसाइटी के लिहाज से अपने पैरामीटर देखने हैं, उसको हर एंगल से देखकर हम उसको फार्मूलेट करना है। तीसरा स्टेज आता है कि हम पॉलिसी अडॉप्शन का, कि हमने पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया या नहीं किया। चौथा स्टेज आता है इम्प्लीमेंटेशन का, और लास्ट स्टेज आता है पॉलिसी एवेल्यूएशन का। जो पहला स्टेज आता है कि हमने ये देखना है कि जो हर पॉलिसी हर सोसाइटी में या हर माशरे में वो इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती। पॉलिसी के रिजल्ट्स जो होते हैं वो सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं, और वो डिपेंड करते होते हैं उस मुल्क के गवर्निंग सिस्टम पे। अगर एक पॉलिसी अमेरिका में या यूरोप में अडॉप्ट की गई है तो उनका सिस्टम बाकी दुनिया से बिल्कुल सेपरेट है, तो बाकी दुनिया में ज़रूरी नहीं कि वही रिजल्ट्स मिले जो यूरोप में मिले थे। अगर एक पॉलिसी श्रीलंका में अडॉप्ट की गई है, अगर वो वहाँ नाकाम हो गई तो उसका ये भी मतलब नहीं कि अगर वो पाकिस्तान में अडॉप्ट की जाए तो वो भी नाकाम हो जाएगी। पॉलिसी आइडेंटिफिकेशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि मिलते जुलते माशरों में, जैसे एक पॉलिसी हेल्थ के मतलब है जो हम पाकिस्तान में अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, फार्मूलेट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले उसको ये देखा जाता है कि हमारे जैसे मिलते जुलते सोसाइटी में, जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है या थर्ड वर्ल्ड बाकी जो कंट्रीज हैं, उनमें ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई या इससे मिलती जुलती पॉलिसी को अडॉप्ट की गई। अगर ऐसा है तो फिर हमें एवेल्यूएट करना पड़ेगा कि वो पॉलिसी के रिजल्ट्स वहाँ कैसे थे, वहाँ उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले या नहीं मिले। अगर वहाँ रिजल्ट्स अच्छे थे तो वो क्यों थे, और अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो वो क्यों नहीं मिले, ये हमने हर एंगल से सोचना पड़ता है। तो फिर हमने ये भी देखना है कि वहाँ जिन रीजंस की वजह से वो पॉलिसी नाकाम हुई, क्या वो रीजंस हमारे मुल्क में एडजस्ट करती हैं या हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करती हैं, या अगर वो पॉलिसी वहाँ सक्सेसफुल रही तो क्या वही पैरामीटर्स वही डायमेंशन हमारे सोसाइटी में प्रिवेल करती हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ वो पॉलिसी कामयाब हो सके। सबसे अहम चीज़ इसमें ये होती है कि जब हम पॉलिसी बनाते हैं तो उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उसको हर डायमेंशन से देखना पड़ता है। आपका कल्चर, आपका रिलीजन, आपके लोगों की सोच, आप कहाँ जो सियासी इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें देख के पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है। अगर ऐसा किया जाता है तो आप एक पैरामीटर पूरा कर रहे होते हैं पॉलिसी मेकिंग का, इम्प्लीमेंटेशन का, जिसके आप रिजल्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो आगे जाके देखा जाएगा। दूसरा है पॉलिसी फार्मूलेशन, कि जब आपने हर एंगल से सोच लिया, हर एंगल से देख लिया, आपने तमाम पैरामीटर्स को कसौटी पे रखा और उसकी तमाम डायमेंशंस को आपने अच्छी तरह देख लिया, उसके बाद आप पॉलिसी फार्मूलेट करते हैं। अब फार्मूलेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें आपने वहाँ से ली उनको अपनी सोसाइटी के मुताबिक छोटी मोटी जो मॉडिफिकेशंस हैं वो करके आपने फार्मूलेट करना होता है। जब आपने पॉलिसी फार्मूलेट करना है वहाँ आपने अपने सिस्टम को हर लिहाज से सामने रखना है। आप अगर एक भी डायमेंशन इसमें इग्नोर करते हैं जो बाकी सोसाइटीज़ में हो सकता है मौजूद हों, हमने नहीं मौजूद हो सकती, एक भी डायमेंशन इग्नोर होगी तो समझ लीजिए आपकी पॉलिसी की नाकामी के ज़्यादा चांसेस हैं। पॉलिसी फार्मूलेट होगी उसके बाद आपने पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। क्या हम हर लिहाज से तैयार हो चुके हैं कि यही पॉलिसी है जो हम आप इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं। उसमें आपने उसकी कानून साजी देख लेनी है, उसके जितने भी लीगल पैरामीटर्स हैं, उसके फिनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, वो सारी चीज़ें जब हम देख लेंगे तो फिर हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे कि ये पॉलिसी हम अडॉप्ट करने चाह रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की, ये सबसे अहम स्टेज होती है। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं कि जो जो चीज़ें आपने फार्मूलेशन में अडॉप्शन में कंसीडर की उन चीज़ों में क्या इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर था या नहीं। अगर आपकी पॉलिसी मेकिंग में, फार्मूलेशन में इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसीजर डिस्कस नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई, आपने जिस ग्राउंड पे या जिस लेवल पे आपने इम्प्लीमेंट करना है वहाँ के लोगों को या उस ग्रास रूट के लोगों को आपने डिस्कस नहीं किया तो आपकी पॉलिसी नाकाम हो जाएगी।
हमारे यहाँ यही होता है कि फ़र्ज़ कर लें कि हम एक महकमा सेहत या महकमा तालीम के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, एक टीचर के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, तो उस टीचर को पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता जिसने ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। या फ़र्ज़ कर लें आप हेल्थ के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, आप नर्सिंग स्टाफ के बारे में पॉलिसी बना रहे हैं, तो आपने नर्सिंग स्टाफ को जब तक पॉलिसी मेकिंग में, फार्मूलेशन में, अडॉप्शन में शामिल नहीं किया और आप सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑर्डर कर देंगे तो आपकी पॉलिसी 100% नाकाम हो जाएगी, आपकी कामयाबी के कोई चांसेस नहीं होंगे। ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को पॉलिसी अडॉप्शन में, फार्मूलेशन में हर सूरत डिस्कस करना पड़ेगा। आपको उन लोगों के बारे में या उन लोगों को पॉलिसी में शामिल करना पड़ेगा जिन लोगों के बारे में आप पॉलिसी बना रहे हैं। जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर नेक्स्ट स्टेज आती है एवेल्यूएशन की। क्या जो पॉलिसी आपने बनाई और उसको इम्प्लीमेंट किया, जो रिजल्ट्स मिले, क्या वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं? या अगर आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, तो आपको जो चीज़ आपने शुरू में सोची थी कि हमारी पॉलिसी के नाकामी के इतने चांसेस हैं, हम यूँ कंसीडर करते हैं कि 5% चांसेस हैं नाकामी के, कि जब आपने एवेल्यूएट करना शुरू किया तो आपकी जो नाकामी की रेशो है वो 5% ही रही या इससे ज़्यादा रही, ये सारी चीज़ें एवेल्यूएशन में आती हैं। अब एवेल्यूएशन में सबसे पहले हमने फ़र्ज़ कर ली ये पॉलिसी हमने ली श्रीलंका से, क्या श्रीलंका में जब पॉलिसी कामयाब हुई थी और आपकी नाकामी में वो जो चीज़ें आपने लिंक की हैं, क्या वो आप एडजस्ट कर पा रहे हैं उनको, कि वहाँ कामयाबी की ये वजूहत थी और यहाँ नाकाम हो गई तो क्यों हो गई, अगर वहाँ नाकाम थी तो यहाँ कैसे कामयाब हो गई। ये सारे एंगल से जब आप उसको एवेल्यूएट करेंगे तो फिर पॉलिसी रिव्यू आता है। अब पॉलिसी रिव्यू में ये होता है कि आपने या तो उसको मॉडिफाई कर दें, पॉलिसी को चेंज कर दें, लेकिन जब हम ये करते हैं कि पॉलिसी को यकसर मुस्तरद करके नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं तो फिर आपको कभी कामयाबी नहीं मिलती। पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आपने पॉलिसी बनाई थी, आपने हर तरह से सोचा था, हर एंगल हर पैरामीटर से उसको देखा था, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले या थोड़े मिले, तो फिर आपको फ़र्ज़ बनता है कि आप उस पॉलिसी को रिव्यू करें, उसको फिर दोबारा से हर डायमेंशन से देखना शुरू करें, आप हर तबके की राय लें जो उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे पॉलिसी मेकिंग वाले हैं, चाहे अडॉप्शन वाले हैं, फार्मूलेशन वाले हैं, या इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, या उसके बाद एवेल्यूएशन वाले हैं, हर एक की राय लेकर हर एक एक्सपीरियंस से जब गुजर के आप दोबारा रिव्यू करेंगे तो फिर आपकी पॉलिसी में कामयाबी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि हम पॉलिसी बना देते हैं, जब वो हमको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाते, हम उसको डाउनलोड करके इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो हम क्या करते हैं, हम उसको उठा के दूर फेंक देते हैं और नई पॉलिसी ले आते हैं। हमारा पिछला तजर्बा भी नाकाम और अगला तजर्बा भी नाकाम। जब तक आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएंगे, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग के साथ आगे नहीं जाएंगे, उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे जिनके मुतल्लिक पॉलिसी बनाई जा रही है, तो आपकी पॉलिसी हमेशा नाकाम रहेगी। उम्मीद है कि हम सब मिलकर, हम तमाम इदारों के साथ मिलकर अपने मुल्क की खुशहाली के लिए, अपने मुल्क की फलाह के लिए, इस मुआशरे की तरक्की के लिए काम करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।